नहीं, मेरा हेल्थ बहुत कम है, जल्दी आओ, जल्दी टच करो यार, मैं खत्म होने वाला हूँ अभी, ये आप बचाओ। अरे हे गाइस, तो आई एम बैक विद अ न्यू गेम प्ले वीडियो। अब भाई, दो दिन पहले मैं यूट्यूब देख ही रहा था, जहाँ पर कैसिडो का हाईएस्ट किल रिकॉर्ड था बीजीएमआई पे, उधर ही नियोनेक्स पवन ने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर नियोनेक्स पवन ने सोलो 55 किल्स किया भाई, मतलब उसने सबों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया नियोनेक्स पवन ने। तो भाई मैंने वो देखा एंड मेरे अंदर से भाई आग आ गई कि चलो भाई अब हम नियोनेक्स पवन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो हम भी आ गए इवेंट वाले मैच स्टार्ट करके। अब भाई 55 किल्स कोई मजाक नहीं है जो नियोनेक्स पवन ने सेट किया है भाई, पता नहीं कैसे मारा बंदे ने, बट बहुत धोया उस लॉबी पे, मैंने उसका गेम प्ले देखा पूरा। फिर उसके बाद मैंने भी कर दिया रैंगल मैच स्टार्ट मोटिवेशन लेके, बट नियोनेक्स पवन ने खेला था वो स्क्वाड के सपोर्ट के साथ और मैं इधर अकेला आ चुका हूँ रैंगल पे, बट कोई बात नहीं, हम पूरा कोशिश करेंगे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो हम इधर उतरे थे तभी मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैंने नॉक दे दिया। अभी एंडिंग में देखो भाई हम रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं कि नहीं, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिर इधर इसका और एक टीममेट था जो मेरे पे अभी रश करेगा, तो उसके दूसरे टीममेट को भी नॉक एंड फिनिश दे दिया। तो इनका तो ये दो बंदे खत्म हो गए। अभी मेरे को पीछे के साइड से बंदे का साउंड आया तो मैं सीधा पीछे के साइड से इसको पिन किया, एक बंदा देखा उसको मैंने नॉक कर दिया, फिर उसको फिनिश करने के लिए गया, फिर इसको फिनिश देने के बाद सामने और भी बहुत सारे बंदे थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा पोजीशन चेंज किया, उधर घूम के पीछे के साइड किया क्योंकि बंदे को मेरा पोजीशन पता था। अभी देखो आगे एक बंदा दिखता है मेरे को, तो उस बंदे को भी बाइजन से नॉक दे दिया सामने वाले को, फिर उस पर सीधा पुश कर दिया। अभी ये भी ख़त्म, अभी मेरे हो चुके हैं 4 किल। तो अभी यहाँ पर इनको मार के आगे साइड से आ रहे हैं फुटप्रिंट्स, मतलब इस इग्लू से। तो इग्लू वाले बंदे को डैमेज दिया, इग्लू वाला बंदा नॉक, तो अभी इसको भी ख़त्म कर दिया। तो अभी इनका हो गया ख़त्म। अभी ये नल्ले बंदे आगे कैम्प कर रहे थे कुछ बंदे, और कुछ बंदे इग्लू के अंदर कैम्प कर रहे थे। तो मैं क्या भाग के जाने के सोचा भी नहीं, मैं सीधा उड़ा एंड सीधा बंदे के मिडिल पे जाके जंप कर दिया। अभी इधर फाइट देखो कैसे देता हूँ, 1v2, एक नॉक और दूसरा भी नॉक, ये एमके से आया था, मतलब एमके लेके आया था। तो अभी इनके दो बंदे को मार दिया, ये नल्ले पता नहीं इधर क्या कर रहे थे और दो बंदे मिलकर एक बंदे को नहीं मार पाए। तो अभी मेरे सामने बंदा, तो मेरे सामने जो इग्लू है उस पर था बंदा, तो मैंने एक नेट खींचा बंदे पे फेंक दिया। अभी नेट इतना अच्छा काम करेगा मेरे को पता नहीं था, बट इधर मैं भी नॉक हो गया, नल्ला कैंपर मेरे को नॉक दे दिया। तो मैं इधर मेरे टीममेट का नाम चिल्ला रहा था, नेहा ने रिवाइव दे दो, बट अभी देखो कितने मूवमेंट पे पकड़ता, कितने मूवमेंट, मतलब भाई लास्ट सेकंड पे पकड़ता ये, अगर एक सेकंड और लेट होता ना मैं उधर खत्म था भाई। तो अभी इनका बहुत बहुत शुक्र है मैं इधर रिवाइव हो गया। फिर आता है एक बॉट जिसको मैंने नॉक दे दिया। अभी मेरे को जिन बंदों ने मारा था मेरे को उनसे लेना था रिवेंज, तो मैं इधर आ गया, एक नेट पिन किया बंदों के लिए और इस बंदे ने डैमेज दे दिया इसके ऊपर जो है। अभी मेरे को पहले टावर वालों को मारना था, फिर बाद में जाके बाकी बंदों को देखना था। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से मॉली पिन किया और सीधा सेकंड फ्लोर पर फेंक दिया। मेरे को पता है बंदा सीढ़ी पे रहेगा, कहीं और इसका जगह नहीं है रहने का, तो मैंने ऊपर भी एक मॉली कर दिया और सीधा पुश कर दिया। तो ये बंदा सीढ़ी पे था, तो ये नॉक, अभी किल फिट देखो भाई, एक बंदा मॉली से भी जल गया और एक बंदा सीढ़ी पे था वो तो गया ही भाई। अभी मैं इनको खत्म करके जैसे ही कवर पे जा रहा था, अभी देखो कुत्ते साले कभी तो सही से खेल लेने थे यार। तो भाई इधर में हो गया नॉक फिनिश, बहुत बुरा लगा। फिर मैं आ गया सीधा जॉर्ज पुल, मेरे को झमेले में जाना ही नहीं था, तो मैं जॉर्ज पुल आके आराम से बॉल कलेक्ट किया क्योंकि मेरे को 200 वाला पावर लेना था, की वाला। 200 वाले पावर से मैच काफ़ी ज़्यादा सही जाते हैं, मतलब तुम गाड़ी के बिना उड़ के इधर उधर कहीं भी जा सकते हो। तो मैं इससे बॉल्स कलेक्ट कर रहा था मेरा 7 बॉल होने के लिए, तो इधर 7 बॉल हो गया, तो मैं सीधा उड़ के चला गया उसके पास जहाँ पे मैं पावर मंगवा सकता हूँ। फिर इधर ऑलरेडी बंदे कैम्प कर रहे थे, दो बंदे, तो मैंने क्या किया, इधर मैं आके पहले तो नीचे गिर गया, अगर ऊपर गिरता तो पेटी कन्फर्म था। फिर जाके मैं सामने की साइड लैंड हो गया इन पर पुश करने के लिए। फिर मैं पहाड़ पर आया एंड मेरे को इधर दिखा बंदा, तो इसको ज़्यादा गोली टच नहीं हुआ, इसको तो बस एक ही दो गोली टच हुआ। फिर मैं एक मॉली कर दिया, अब ये मॉली काम का होता है। अभी देखो इलेटर था, इसको हेड दिया, इसको नॉक दे दिया सामने वाले बंदे को, डीपी का शॉट्स दिया और इस पर मॉली लग गया भाई, और ये मॉली से नॉक हो गया। तो ये मॉली रियली हेल्पफुल था। तो ये दोनों बंदे तो ऐसे ही आराम से भाई 1v2 मक्खन की तरह 1v2 हो गए इन दोनों बंदे। अभी मेरे को दूर से तो कहीं से पड़ता है शॉट्स, तो मैं समझ गया था अभी सीढ़ी पे बंदे हैं जो मेरे पे पुश करने वाले हैं। तो मैं इधर पूरा हिलअप हो गया पहले तो डैमेज खाकर, फिर मैं इधर बंदे को देखने आया क्योंकि बंदा करने वाला था और मेरा वही इधर पावर वाला टाइम हुआ नहीं था। तो वैसे ही लेफ्ट पे और एक बंदा आ जाता है, पता नहीं ये कहाँ से आता है। तो इसको मैं मार रहा था, सिटी वाला बंदा भी मार रहा था, तो मेरे को पहले ये क्लियर करना था, उसके बाद ही मैं, तो अभी इसको तो मार दिया। अब मैं अगर इसको क्लियर नहीं करता तो मैं दोनों तरफ से सैंडविच होने वाला था। तो अभी इसको ख़त्म करने के बाद मेरे को पता है सिटी वाला बंदा रश करने वाला है, तो अभी देखो बंदा कर देता है रश।
तो इसको तो एक हिप पैर के स्प्रे पे ले लिया क्योंकि मेरे पे ईओबी 45 थे, तो इस बंदे को भी खत्म कर दिया। अभी मेरे यहाँ पर हो चुके 14 किल्स, अभी यहाँ पे ये सारे खत्म है। फिर मेरे को बंदे का साउंड आ जाता है, मेरे तो हेल्थ कम, तो मैं सीधा उड़ के चला गया इस टावर पे। मैं सोचा डीपी से मारूंगा बंदे को, बट अभी देखो डीपी से बस दो गोली का डैमेज देता हूँ और मेरा रीलोड आ जाता है, बट यूएमपी का एक भी गोली टच नहीं होता क्योंकि कुछ दिख भी नहीं रहा था यूएमपी से। तो इधर आ जाता है और एक बॉट, तो बॉट को ख़त्म कर दिया। तो अभी वो बंदे को तो मैं मतलब मारना ही टारगेट था अभी मेरा, तो स्कोप इन करके बंदे को दिख रहा था बट बंदा नहीं दिखा मेरे को। बट मैं उड़ के सामने पे चला गया बंदे को स्काउट करने। फिर मैं इधर पहाड़ के सामने लैंड होता हूँ, पहाड़ के ऊपर बंदा था ही नहीं, बंदा यहाँ से निकल गया। तो ये बंदा तो बच गया, अभी मेरा टीममेट आ चुका था, तो मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकल गया क्योंकि यहाँ पे हो चुके थे सब खत्म अब भाई। बट मैं वहाँ पर पावर नहीं मंगवा पाया अपना। फिर मैं इधर आ गया रोजॉक के हिल पे की वाला पावर मंगवाने। फिर मैं इधर आया बट अभी इधर टाइमर कंप्लीट हुआ नहीं था पावर मंगवाने का, मैंने जब चेक किया तो मेरे को अभी पता चला। फिर मैं उधर के भाई इधर ऑलरेडी कोई कुछ पावर मंगवा चुके थे क्रेड्स वाले, तो मैं इधर वो क्रेड्स लूटा एंड टाइमर जैसे कंप्लीट हुआ मैंने पावर मंगवाया। अभी देखो इधर एक गाड़ी आता है, अभी इस गाड़ी वाले को कैसे देता हूँ देखो। अब भाई मेरे पे जितने गोले थे मैंने सब बरसा दिया बट बंदे का गाड़ी नहीं फूटा ना बंदा गाड़ी से उतरा। भाई इधर मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, गाड़ी का एक्सप्लोरेशन वाला वो भी आ गया था बट बंदा उतरा नहीं यार, मतलब गाड़ी भी नहीं फूटा। तो मैंने इधर की वाला पावर सक्सेसफुली मंगवा लिया। अभी आगे आप लोग को दिखने वाला है एग्रेसिव वाला फाइट, तो मैं आ गया अपार्टमेंट में इधर की वाला पावर लेके। अभी 200 था भाई, गाड़ी रोका आगे उड़ के चला गया, इसलिए तो लेता हूँ की वाला पावर। और मेरे को दिखता है आगे बंदा पत्थर पे, अभी देखो फायरिंग आता है मेरे। तो मैं इधर भाई बाल बाल बच गया, फिर मेरे पीछे था बंदा, तो मैं इधर पावर यूज किया, अभी चला गया उड़ के बंदे के उस साइड क्योंकि मेरे को पीछे से पड़ सकता था। तो मैं इधर आया एंड मेरे को सामने बंदे का साउंड आता, तो इस बंदे को तो इजीली ले लिया वन बी वन से। अभी मैं इसके ऊपर चढ़ के हिल अप हो रहा था तभी मेरे को राइट से फायरिंग पड़ता है, तो मैं जैसे ही फायरिंग पड़ा मैं अंदर आ गया भाई। इधर भी बहुत गंदा बचा मैं, फिर हेल्थ लगा के मैं चला गया उस साइड को क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत डेंजर सीन हो रहा था। जैसे ही मैं इधर आया मेरे को बंदा दिखा, मैंने बंदे को डैमेज दिया, बंदा कवर पे गया, यूएमपी से बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया, फिर उड़ के सीधा रश कर दिया बंदे पे। तो अभी ये बंदा नॉक, तो इस बंदे को नॉक देने के बाद इसका टीममेट आ रहा था उड़ के, तो इसके टीममेट में फायरिंग लेने की कोशिश किया बट शॉट्स नहीं पड़े, बट ये पेड़ के पास लैंड हुआ इसका टीम। तो इसका टीममेट भी खत्म अभी। तो इधर हो चुके हैं मेरे 18 किल्स और इधर ऑल डन हो गए। अभी इधर और एक बंदा आया जिसको भी मार दिया, तो इधर हो चुके 19 किल। अभी ये बॉट नहीं था, ये बंदा था, मेरे को लगा बॉट है बट ये रियल बंदा था। तो अभी इधर वाला फाइट कैसा लगा भाई कमेंट में बताना। तो इधर करीब करीब सारे खत्म हो गए, फिर गाड़ी लेके मैं चला गया जोन की तरफ। फिर जोन के इधर मेरे को दिखा एक बग्गी जाते हुए, अभी मैं इधर रुक के बग्गी वाले पे शॉट किया बट इधर एक दो हेड कनेक्ट हुए, तो मेरे को पता था ग्रोजा का हेड कनेक्ट मतलब बंदे का हेल्थ मतलब रहेगा ही नहीं, क्या रहेगा। तो मैं सीधा गाड़ी बंदे में घुसा दिया, अभी बंदा पेड़ पे गाड़ी रोका था, मैं सीधा रोका पेड़ पे, ये बंदा खत्म। ब्रो इजी, ब्रो फाइट्स आर इजी फॉर मी। तो इस बंदे को भी खत्म करके मैं आ गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आ रहे थे बहुत सारे बंदे का साउंड। तो यहाँ पे आते ही मेरे को दिखता है एक बंदा जो पावर यूज कर रहा था, तो इसको ग्रोजा से आराम से ले लिया। फिर मैं जाता हूँ उड़ के घर के छत में क्योंकि मेरे को पता था छत से बहुत सारे बंदों का व्यू मिलेगा। फिर मेरे को दिखता है सामने बंदा, बंदे का साउंड आता है, एक नेट करता हूँ बंदा नॉक, दूसरा नेट पिन करता हूँ, दूसरा नेट फेंकता हूँ, ये बंदा फिनिश्ड। अभी इसका अभी भी घर से साउंड आ रहा था, तो इसका टीममेट बचा था मेरे को लगा, तो मैं सीधा पुश करता हूँ। अभी इससे साउंड आ रहा है, ये रहा बंदा, रुक जा भाई, खत्म। चलो भाई तो चलो ये भी खत्म हो गया। अभी मेरे को जाना था उड़ के घर के ऊपर और मेरे टीममेट्स ऑफलाइन था, मेरा टीममेट नॉक हो गया, तो फिर नॉक एंड फिनिश। तो इधर आ चुके थे ब्रोकन वॉल के पीछे बंदा, जिस बंदे ने थोड़ा डैमेज दे दिया था मेरे को अपने नेट से। तो मैं यहाँ से उड़ के मतलब यहाँ से उड़ के उस साइड चला जाता हूँ। अब बंदा भी अपना बग्गी निकाल लेता है जाने के लिए, तो मैं सीधा अपना पावर लगाता, फिर बंदे के बग्गी के आगे चले जाता। मैं सोचा कि आगे रोकूंगा, मैं स्प्रे दे के बंदे को उतार दूंगा, बट बंदा चले जाता है रोड से सीधा, तो इसके स्प्रे तो कनेक्ट नहीं होते मेरे। बट मेरे को पता था बंदा कहाँ जाने वाला है, हील पे जाने वाला है, हील पे जोन था। मैं भी आ गया उड़ के हील पे, अभी बंदा हील पे गाड़ी रोकता है, मैं आगे इस पत्थर पे थोड़े कवर लेने के लिए। अभी ये बंदा दिखा, इसको नॉक दिया मैंने, फिर मैंने क्या क्या क्लोज इन किया।
अभी इसको पीछे से बंदे को पर रहा था फाइट, तो मैंने क्या किया, उड़ के चला गया स्क्वाड हाउस पे। स्क्वाड हाउस पे जोन नहीं था, बट मैं सोचा जो 20-30 सेकंड बाकी है इसमें अगर इनको मार दूं तो नॉक वाले को फिनिश किया। अभी अब देखो और एक बंदा दिखता है मेरे को स्मोक के अंदर, तो लूटने के लिए आ रहा था तो इसको भी खत्म किया। अभी मेरे को पता था सामने कोई है नहीं, जो बंदे सीधा घर पे ही है, तो मैं सीधा चला गया घर पे उड़ के। बट घर वाले एक दो बंदे इधर आ चुके थे, अब मेरे को क्लियर नहीं था कि मैं घर पे कोई है या नहीं। तो जैसे ही मैं इधर आया देखा इधर खाली है, बट हिल पे चले गए दो बंदे। अभी ये स्प्रे देखो मेरा स्मोक के अंदर, तो इनका एक बंदे को मैंने नॉक वाले बंदे को फिनिश कर दिया शायद, या फिर डायरेक्ट खत्म हुआ पता नहीं। फिर मैं उड़ के चला गया हिल पे क्योंकि इसका लास्ट बंदा बाकी था, अब इसको करना था खत्म ब्रो, इसको खत्म करते इनका हो जाएगा स्क्वाड वाइप। तो ये बंदा हवा में था, इसको खत्म ब्रो। अरे कितना इजी भाई, बंदा क्या कर रहा था हवा पे ऐसा पता नहीं, तो खत्म हो गया इधर। अभी भाई मेरे हो चुके यहाँ पे 27 किल्स, तो मेरे को आगे और बंदे ढूंढने थे जो थे कैंपर्स भाई, पता नहीं कहाँ थे। तो अभी देखो आगे क्या सीन होता है भाई, मतलब आप लोग देख के भी बोलोगे हैं कोई बंदा ऐसा भी कर सकता है। तो मैं इधर आता हूँ और गैरेज में जाता हूँ गाड़ी उठाने के लिए, अब मेरे को उठाना था गाड़ी, मैंने क्या किया सीधा गैरेज पे आया। अभी देखो गाड़ी पे बैठे ऑफलाइन बंदा भाई, इधर मैं इस बंदे को क्या बोलूं, बंदा चुपचाप बैठा था गाड़ी पे, कुछ फायरिंग नहीं दिया, बट जैसे ही मैं उसके पास बैठा चुपचाप बंदे ने कट डाला खत्म। अभी भाई ऐसे बंदे को कभी शांति नहीं मिलेगी जो ऐसा गेम प्ले बिगाड़ देता है 27 किल्स वाला। अब भाई नियोन एक्सपर्मेंट का तो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि भाई इधर और एक रीजन है कि मैं अकेला ही खेल रहा था एक तरीके से, बट कोई बात नहीं मैं कोशिश करूंगा, तो पूरे टीम के साथ कभी कोशिश करेंगे नियोन एक्सपर्मेंट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो भाई उसके लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई थोड़ा लाइक कर देना यार, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम फ्यूचर में ट्राई करने वाले हैं, ठीक है, हार नहीं मानना है। और कमेंट्स में प्यारा सा कुछ कमेंट आप लोगों के क्या कहना है गेम प्ले के बारे में, एंड भाई थोड़ा सपोर्ट चाहिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई, नहीं छोड़ेंगे, तोड़ के रहेंगे। तो बाय गाइस।